Student, today I will teach you maths. Okay, and today's your topic is basic shapes. Basic shapes from chapter 14, page number 63. Look at here. Okay, confirm. देख लिया आपने? Page number 63 from chapter 14. Chapter name is basic shapes. तो जैसा कि पता चल रहा है shapes आप सुन रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक शेप्स जो हमारे शेप्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ आसपास मौजूद है ना, तो वो किस शेप में है, किससे वो रिलेटेड है, कौन से शेप से रिलेटेड। जैसे कुछ होता है लंबा, जैसे आपने पहले मैथ्स में पढ़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना, हैवी एंड लाइट है ना, बहुत सारी चीज़ें, मोटा पतला भारी हल्का, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, बड़ा और लंबा, छोटा पतला है ना, तो बहुत चीज़ें हैं, तो इसी से रिलेटेड है हमारा बेसिक शेप्स। ओके, तो लॉन्ग शॉर्ट में तो हम क्या पता लगाते हैं कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन भारी है, कौन हल्का है। बट आज का जो शेप है, जो चैप्टर है, उसमें हम बेसिक शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक आकार होता है, एक उसका जो है शेप होता है, ठीक है। तो जैसे आप हमारा अर्थ है, अर्थ कौन सी शेप में है, तो अर्थ हमारा राउंड है, सर्कल है ना, तो उसी की तरह सन देखेंगे हम, तो सन का जो है शेप कैसा है, सन स्क्वायर है, नहीं ट्रायंगल है, नहीं, तो सन भी हमारा सर्कल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम शेप्स के बारे में जानेंगे, जो हमारा बेसिक शेप है। फर्स्ट हम जानेंगे सर्कल के बारे में। आप लोग देखे भी हैं क्लास में बहुत सारी चीज़ें सर्कल होती हैं, तो अभी आप गेस करेंगे कि सर्कल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चलिए बताइए फटाफट, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, सोच लीजिए अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें सर्कल हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सर्कल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली 4 शेप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ओके, ये हम आज 4 शेप्स के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलती जुलती हैं, कौन से शेप्स इनसे रिलेटेड हैं, उन चीज़ों को भी हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप पता कर लिए होंगे, फर्स्ट जो हमारा शेप है वो क्या है, ये क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी कि शेप्स कौन कौन सा शेप, उसके नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर में कितने लाइंस होते हैं, कैसे होते हैं, कौन इक्वल होता है, कौन नहीं इक्वल होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। बट अभी आपको शेप्स के बारे में बताना है ताकि आप उसको अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा शेप किस तरह से है और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, यहाँ से फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट शेप है उसका नाम है सर्कल। ये क्या है, सर्कल। आप क्लास में भी जब रहते हो तो देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो सर्कल बना लेते हैं, है ना, तो बहुत बार आप लोग सर्कल बना के हम लोग गेम भी करते हैं, और बॉल आप देखे होंगे, बॉल भी हमारा सर्कल गोल ही होता है। फैन आप देख रहे होंगे, घर में आपका फैन है तो फैन का जो बीच वाला पार्ट होता है वो राउंड होता है ना, सर्कल होता है ना, गोल होता है, तो उसके बाद 3 ऐसे उसके विंग्स लगे होते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती होगी। अभी भी आपके घर में फैन है तो आप उसको देख सकते हैं कि बीच का जो पार्ट है वो सर्कल है, राउंड है, बिल्कुल गोल है ऐसे, है ना। और भी चीज़ है, आपके घर में क्लॉक है, क्लॉक आपने देखा होगा, क्लॉक मैंने आपको क्लास में यहाँ पे वीडियो भी बना के सेंड किया, तो आप देखेंगे कि जो मैंने इसमें क्लॉक यूज़ किया है, ड्रॉ किया है, वो आपका सर्कल है, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कल शेप में क्या है, वो है कॉइन। मैंने आपको कॉइन पढ़ाया था ना, कॉइन एंड इंडियन करेंसी में, कॉइन एंड नोट्स में, तो कॉइन का शेप कैसा होता है, सर्कल होता है, गोल होता है ना। तो चलिए फर्स्ट जो हमारा शेप है वो है सर्कल, सर्कल। ओके, फर्स्ट जो शेप है हमारा वो है सर्कल, ठीक। तो आप इसके स्पेलिंग को लर्न करेंगे, देखेंगे ध्यान से, CRRCLE, सर्कल। ओके, CRRCLE, सर्कल। सर्कल मीन्स गोल, राउंड, गोला, है ना। ये जो सर्कल है ये गोल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सर्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर्कल। तो आप अपने आसपास ये आप सर्च करेंगे
कि हमारे जो आसपास है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सर्कल है, ठीक। आप इसको सर्च करके उसके नेम अपनी कॉपी में राइट करके इंग्लिश में, स्पेलिंग में तो आप लिख ही लेंगे अपने पेरेंट्स के हेल्प से, तो आप मुझे कम से कम 5 1 to 10 आप 1 से लेकर 10 तक जितनी भी चीजें हो सकती है जो सर्कल है उन चीजों के नेम मुझको लिखकर कॉपी में सेंड करेंगे फोटो क्लिक करके फर्स्ट थिंग। ओके, तो क्लियर हो गया आपका ये कौन सा शेप है, ये है हमारा सर्कल। ओके, कम टू द नेक्स्ट शेप, अगले शेप पे आते हैं, ये कौन सा शेप है, इसमें देखेंगे चारों जो ये पार्ट लाइंस है ये पूरा इक्वली है, ठीक है। इस तरह का शेप आपको जब भी दिखे तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो है स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। आप अपनी कॉपी नोटबुक देखेंगे तो नोटबुक में थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा नीचे वाली लाइन में, जो उसकी लेंथ होती है वो उसमें, अदरवाइज कुछ नोटबुक ऐसे होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, लेंथ और उसका जो ये हाइट है दोनों। तो ये हमारा बेसिकली कौन सा शेप है आप देखेंगे, पहचान लीजिए इसको, आपकी बुक में भी है, फर्स्ट आपका सर्कल है, सेकेंड आपका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। ओके, ये है स्क्वायर, ये हमारा हो गया स्क्वायर। ओके, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, इसके स्पेलिंग लर्न करेंगे, इसको आप 5 5 अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सर्कल को भी स्क्वायर को भी। ओके, 5 5 10, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। क्लियर, फर्स्ट है हमारा सी आर आर सी एल ई सर्कल, एंड सेकेंड एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। क्लियर, सर्कल देन स्क्वायर, टू ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए आप मुझे बताइए स्क्वायर में कौन कौन से शेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो स्क्वायर होती है। आपके घर में विंडो होंगे तो मोस्टली जो विंडो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती है, बट कुछ ज्यादातर हमारे यहाँ विंडोज जो है वो स्क्वायर होती है। क्यूबाइड आप देखते हैं, क्यूबाइड आप खेलते होंगे, लूडो, लूडो खेलते हैं ना लूडो, तो उसका जिसपे आप जो मैट होता है, मैप जो जिसपे आप खेलते हैं लूडो को, डाइस को फेंकते हैं, तो उस बुक उसका शेप कैसा है, उसका शेप कैसा है, लूडो का शेप जिसपे आप खेलते हैं उसका शेप है मैट पे, वो है स्क्वायर, वो चौकोर है ना, चौकोर है, उसके चारों कोने बराबर है, चारों साइड उसके बराबर है। और इसके अलावा जो हम गेम खेलते हैं उसमें हो गया चेस, चेस आपके घर में आप नहीं खेलते होंगे पर आपके घर में जो बड़े हैं आपसे बड़े भैया दीदी या पापा पापा दादा दादी जो भी हैं तो वो लोग चेस तो खेलते होंगे, तो चेस का भी जो शेप है वो भी स्क्वायर होता है। आप अपनी बुक में देखेंगे, ये देखिए आपका चेस दिया हुआ है, लूडो भी दिया गया है ना, चेस और लूडो आप देखिए अपनी बुक में आपको मिल जाएगा। चलिए ये हो गया, और भी चीज़ें हैं, चेयर आपके घर में होगा, चेयर आप देखे होंगे, तो चेयर पे जिसपे हम बैठते हैं उसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर होता है, चौकोर होता है। चलिए और भी चीजें सर्च करते हैं, और क्या चीज स्क्वायर होता है, चलिए बताइए मुझे स्क्वायर। आपकी कुछ बिस्किट ऐसे होती हैं जो स्क्वायर शेप में होती है, जैसे 50-50 खाया होगा आपने बिस्किट, तो वो भी स्क्वायर शेप में होता है ना। बहुत सारे बिस्किट और भी हैं जो स्क्वायर शेप में होती है, और भी चीजें हैं स्क्वायर, चलिए बताइए स्क्वायर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप इसको भी सर्च करेंगे अपने घर पे, अपने आसपास कि कौन कौन सी चीजें स्क्वायर हैं, और उनके नेम अपनी कॉपी में राइट करेंगे, ठीक है। 10 मत करिए, 5 5 तो जरूर, 5 थिंग्स के नेम नोट करिए जो स्क्वायर है, और 5 थिंग्स के नेम नोट करिए जो सर्कल है। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट शेप सर्कल एंड सेकेंड शेप स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, आते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है स्क्वायर में, देखिए ये जो साइड्स है इसमें स्क्वायर में ये इक्वल है, ओके। और रेक्टेंगल में क्या है, जो ये 4 साइड्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको साइड्स, 4 साइड, ये 4 साइड्स इक्वल नहीं है। आप देखेंगे इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है लेंथ, ये इसकी ज्यादा है, बट जो ये हाइट है, ये आप इसकी हाइट देख रहे होंगे, हाइट इसका कम है ना। तो इसमें टू लाइंस जो टू साइड है वो इक्वली होते हैं। अब
एंड डाउन ये इक्वल होगा एंड ये सामने और यहाँ पे अपोजिट ये दोनों ये इक्वल होगा ठीक है। तो इसमें टू लाइंस इक्वल होते हैं मतलब टू लाइंस इक्वल होंगे फोर साइड्स होंगे बट फोर साइड के जो लाइंस है वो इक्वली नहीं होंगे। तो आप इस शेप में मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो बिल्कुल जानते भी हैं, अभी आप बिल्कुल उस पर मुझे देख भी रहे होंगे तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया। आप बता सकते हैं कि रेक्टेंगल और क्या चीजें होती हैं। जिस पे आप मुझे देख रहे हैं एट प्रेजेंट वो तो फर्स्ट आपका एग्जांपल हो गया मोबाइल फोन। जो आपका मोबाइल फोन होता है वो कौन से शेप में होता है? वो रेक्टेंगल शेप में होता है ना, रेक्टेंगल शेप में। आप देखेंगे इधर लुक एट हियर, ये मेरे मोबाइल का कवर है, आप देख सकते रहे हो। तो ये रेक्टेंगल शेप में है, कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि इसका जो लेंथ है आप देख सकते रहे होंगे, ये जो लेंथ है इसकी लंबाई ये ज्यादा है और ये जो इसकी हाइट है ये कम है ना। जूम करके देखेंगे ओके। और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो हमारे यहाँ टेबल है, क्लासरूम में आते थे तो टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट है ये जिसपे हम अपनी कॉपी बुक अब सबमिट करते हैं, आप भी रखते हो ड्रो अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आते हैं, तो ये जो टेबल का जो ये है पार्ट, तो ये क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल शेप में है। और भी चीजें हैं, चलिए बताइए आसपास। बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट खाया आपने या फिर पार्ले जी पतंजलि? बहुत सारे बिस्किट ऐसे होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे बिस्किट आपके सर्कल भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं और रेक्टेंगल शेप में भी होते हैं। ट्रायंगल में भी कुछ कुछ बिस्किट ऐसे होते हैं जो ट्रायंगल शेप में भी होते हैं। तो कुछ बिस्किट आप देखेंगे आपके घर में भी मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे शायद आप अगर सर्च करेंगे तो वो सर्कल जो उस जो बिस्किट का शेप होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगल साइज में होता है। तो अभी भी जब आप कभी भी आप बिस्किट खाइए तो उसको ध्यान से जरूर देखेंगे कि ये कौन से शेप में है, सर्कल है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। और अगर आप बिस्किट खा रहे हैं अगर वो रेक्टेंगल है तो एक बार जरूर बोलिए कि ये रेक्टेंगल है ओके। और अगर आप सर्कल वाले गोल वाले बिस्किट खा रहे हैं तो आप जरूर कहेंगे कि ये सर्कल है ओके। अगर आप ये जिसमें फोर साइज इक्वल है जैसे कि आप 50-50 खा रहे हैं तो उसमें भी आप स्क्वायर साइज के हैं बिस्किट पाएंगे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि जो ये मेरे बिस्किट है ये स्क्वायर शेप में है ना। तो ऐसे करेंगे तो आप और जल्दी से चीजों को पहचानेंगे, शेप्स को पहचानने लगेंगे ठीक है। जो आप डेली यूज करते हैं उनको ज्यादा यूज करेंगे तो आप बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया सर्कल, सेकंड हो गया हमारा स्क्वायर और थर्ड हो गया हमारा रेक्टेंगल। खाने वाली चीजों के ऐड देखते हैं तो जिसमें आपको बहुत आपको पसंद है स्नैक्स
स्नैक्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चिप्स पसंद है। तो आप देखते हैं उनको ट्राइंगल एक चिप्स का नाम है शायद, तो वो ट्राइंगल आप देखते होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही खट्टा मीठा नमकीन होता है ना, बिल्कुल इस तरह से होते हैं, उसमें बीच में ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं ट्राइंगल वाला, देखते होंगे मैंगो मैंगो पता नहीं क्या होते हैं, है ना, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और भी है ट्राइंगल शेप में, आप मुझे बता सकते हैं, आप समोसा खाए हैं? समोसे तो बहुत पसंद होंगे आपको, तो समोसे का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्राइंगल शेप में होता है। कौन से शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में होता है। समोसा खाएंगे बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल समोसा ऐसे ही होता है, बीच में ऐसे हल्की सी लाइन होती है, ये देखिए, तो बिल्कुल आपका जो समोसा है, समोसा कौन से शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में होता है ना। और रेक्टेंगल शेप में क्या है? और भी चीजें बताएंगे आप, समोसा हो गया आपका, चिप्स हो गया, और भी चीजें ट्राइंगल होती है, चलिए बताइए। बिल्कुल, अब आप देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में क्या है? टीवी। रेक्टेंगल शेप में आप ट्राइंगल में सर्च करिए और मुझे इसको नोटबुक में नोट करके सेव करके सेंड, सॉरी फोटो क्लिक करके उसको सेंड करेंगे। तब तक मैं बताती हूँ आपको रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का आप मुझे बताएंगे रेक्टेंगल शेप में क्या होता है। एक तो मोबाइल फोन होता है जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप मोबाइल फोन से, बस आपको मोबाइल फोन मिला कि नहीं आप अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर मम्मी पापा आपको लगा कि देखिए यूट्यूब पे मैम को देख लो थोड़ा सा पढ़ लो, तो आप तुरंत पता नहीं क्या पिगी पापा और टॉम एंड जेरी और जंगल बुक और पता नहीं क्या क्या लगा के देखने लगते हो, है ना। तो ये सब मत करिए, थोड़ी देर, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी देर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो पहले पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल शेप में क्या होता है? आप टीवी आपके घर में होगा, एलईडी टीवी होगा ना आपके घर में, तो टीवी के शेप आप देखते होंगे वो कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। उसका लंबाई ज्यादा होगा और हाइट उसकी कम होती होगी, आप देखे होंगे। तो टीवी जो दिखने में टीवी है आप देखते होंगे वो नॉर्मली आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, इस शेप में होता है, टीवी इसी शेप में होती है ना, देखे होंगे। और एक चीज है एटीएम कार्ड, अगर आप अपने घर में एटीएम कार्ड देखेंगे तो उसकी भी जो एटीएम कार्ड का जो शेप है वो किस शेप में होता है? वो रेक्टेंगल में होता है। पेंसिल बॉक्स, आपके पास पेंसिल बॉक्स है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप अपने पेंसिल बॉक्स को उठा के देख लीजिए वो कौन से शेप में है, स्क्वायर में नहीं होगा, स्क्वायर में ज़्यादातर आपके लंच बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स भी आपका रेक्टेंगल शेप में भी होता है बट आपके ज़्यादातर स्क्वायर होते हैं। तो आप देखेंगे सर्कल भी आने लगे हैं आजकल लंच बॉक्स, तो ये आप देखेंगे टीवी एंड आपका जो एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारे शेप कौन से शेप में होते हैं? ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ये आपका सर्कल और स्क्वायर में नहीं मिलेगा, ये परफेक्टली मैं बता रही हूँ आपको जो एग्जांपल है। तो रेक्टेंगल शेप में जो आपका है टीवी और एटीएम कार्ड, ये सारी चीजें आपको रेक्टेंगल शेप में ही मिलेंगी। अच्छा जो आप क्लासरूम में बैठते हैं तो डेस्क पे बैठते हैं सीट पे, तो आपकी सीट की जो शेप होती है वो किस शेप में होती है? वो रेक्टेंगल शेप में होती है, होती है ना, जिसपे आप नोटबुक रख के अपनी पढ़ाई करते हो, जिसपे आप बैठते हो या फिर जिसपे आप पीछे से टेक लेते हो, वो सब रेक्टेंगल शेप में ही होता है। याद करिएगा नर्सिंग क्लास में आप बैठे थे, इस साल तो आपको बहुत बैड लगता है, नहीं बट बैठ पाए, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल शेप। ओके, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, एक बार इनके स्पेलिंग को हम फिर से रीड करेंगे और इनकी जितने भी स्पेलिंग है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की, इनको आप अपने नोटबुक में 5-5 times नोट करके इसकी फोटो क्लिक करके इनको सही करेंगे। ओके, रीड विद मी, मेरे साथ एक बार इसको रीड करिए। फर्स्ट हमारा सी आई आर सी एल ई, सर्कल, क्लियर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर, क्लियर, T R R A N G L E हो गया ट्राइंगल। नेक्स्ट R E C T A N G L E ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ये हो गया सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। वंस अगेन रिपीट विद मी, सर्कल, स्क्वायर, rectangle, triangle, okay, once again, circle, square, rectangle, triangle, आप मेरे साथ इसको read करते चलिए, okay, circle, square, rectangle, triangle, okay, once again,
शेप्स को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, हैंड रख रही हूँ सारे शेप्स पे। मैं जब भी नेम बोल रही हूँ तो शेप्स पे हैंड रख रही हूँ, तो उसको आप इजीली पहचान लीजिए और मेरे साथ साथ प्रोनाउंसिएट करिए। ओके, फर्स्ट है हमारा, लुक एट हियर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। क्लियर? वंस अगेन विद मी, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। क्लियर? वंस अगेन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका इसमें होमवर्क ये है कि जितने भी शेप्स मैंने आज बताए आपको, 1 2 3 4 फोर शेप्स से रिलेटेड आप शेप्स अपने आसपास सर्च करेंगे और उनके नेम लिख के मुझे कम से कम फाइव थिंग्स के नेम लिखेंगे और उसकी फोटो क्लिक करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके,